नमस्कार दोस्तों, काफी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है क्योंकि उनको हिलेगा मिलेगा को यूज करने में परेशानी होती है। तो पहले हिलेगा मिलेगा की हम लोग चीजों को समझते हैं कि हिलेगा मिलेगा किन तीन चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए, हिलेगा मिलेगा में एक ग्रीन लाइन है। ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी बनी है प्राइस, ये प्राइस की सबसे नियरेस्ट लाइन है जो 3 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद है एक ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन जो है आपकी आरएसआई है, जो प्राइस के स्ट्रेंथ को बताती है कि प्राइस का अपसाइड या डाउन साइड में स्ट्रेंथ कितना है, तेज है कम है, ठीक है। और तीसरी है रेड लाइन। रेड लाइन जो है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, वॉल्यूम को। ये वाली रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन जो है ये वॉल्यूम को इंडिकेट करती है और ये बताती है कि वॉल्यूम का पंच कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग इसमें फिर अपना ट्रेड बनाते हैं। हिलेगा मिलेगा का भी मोटा मोटा अगर हिसाब किताब देखा जाए, हिलेगा मिलेगा का, तो हिलेगा मिलेगा का मोटा मोटा जो हिसाब किताब है वो ये है मेरे मित्र, कि जब भी ये वॉल्यूम की लाइन प्राइस और उससे क्या कहते हैं स्ट्रेंथ से नीचे होती है तो हम लोग बाई का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन जब रेड लाइन के नीचे जब दोनों ब्लैक और ग्रीन लाइन होती हैं तो मार्केट गिरने लगता है, तो हम लोग मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है इसमें हिलेगा मिलेगा में। बट इसमें होता क्या है कि कभी कभी हिलेगा मिलेगा हमको फेक सिग्नल देता है। तो फेक सिग्नल देता है तो फेक सिग्नल के पीछे का जो लॉजिक है, फेक सिग्नल को हम हमेशा के लिए एंड नहीं कर सकते, क्योंकि फेक सिग्नल कभी भी इंड नहीं हो सकते। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फेक सिग्नल तभी आते हैं जब आपका मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तब हमारे यहाँ पे फेक सिग्नल जनरेट होने लगते हैं। फेक सिग्नल कभी बाई दिखा देगा, कभी सेल दिखा देगा। तो फेक सिग्नल को तो हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, बट फेक सिग्नल्स को कम किया जा सकता है, लेस किया जा सकता है, जिससे आपकी गलत ट्रेड्स में एंट्री बंद हो जाएगी। गलत ट्रेड्स में एंट्री बंद होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो लॉसेस हैं, वो आपके कम हो जाएंगे, और जब लॉसेस कम हो जाएंगे, फेक एंट्रीज गलत एंट्रीज बंद हो जाएंगी, फेक एंट्रीज एंट्रीज आपकी बंद हो जाएंगी, तो आपका प्रॉफिट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है कि जब आप गलत ट्रेड में घुसने से बच जाएंगे तो आपका वहां पे लॉस नहीं होगा, तो लॉस नहीं होगा तो आपका पैसा बचेगा। मनी सेव्ड मीन टू से मनी अर्न। तो इस लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि फेक सिग्नल से बचा जा सकता है, फेक सिग्नल खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन फेक सिग्नल से बचा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग हिलेगा मिलेगा में कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, चेंजेस ये करेंगे हिलेगा मिलेगा में, जो अभी आप ये हिलेगा मिलेगा में जो आरएसआई आप देख रहे हो, MA3 की जो आरएसआई है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए, एक लाल लाइन रह गई और एक काली लाइन रह गई। अब ऊपर एक लाइन है, ऊपर जो है एक लाइन है, ठीक है। ऊपर की लाइन क्या कह रही है, ऊपर की लाइन आपको जो बताएगी, ये चार्ट पर आपकी एक रेड लाइन आ गई, ये लाइन आपको बताएगी कि कब आपको सही एंट्री करनी है, कब आपकी एंट्री गलत हो रही है, उस हिसाब से ये रेड लाइन आपको बताएगी, और आपको अपना ट्रेड इसी रेड लाइन के पास में ही इनिशिएट करना है। या तो जब इस रेड लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए, आपको यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, इसके ऊपर ही आपको अपना स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, आपको अगली कैंडल पे ट्रेड ले लेना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देना है। तो अगर आप इसको आप पीछे की तरफ जाके देखो तो फेक सिग्नल्स आपके टोटली अवॉइड हो जाएंगे। पहले से अगर आप पहले 10 सिग्नल्स में फंस जाते थे तो ये घट के आपके 50% कम हो जाएंगे, और ये 50% कम हो जाएंगे, जिससे आपका कम से कम 50% मनी तो बचेगा ही। तो मनी सेव्ड मीन टू से मनी अर्न। जब भी मार्केट
जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर हो तब आप बाई के ट्रेड में रहेंगे, और जब भी मार्केट इस लाइन के नीचे आ जाए तब आप सेल के ट्रेड में रहेंगे। और ये स्ट्रेटजी जो है आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट में भी काम करेगी। 5 मिनट में आप देखिए, आप इसको अपने हिसाब से बैक टेस्ट भी कर सकते हैं और चार्ट पे लगा के देख भी सकते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है। और दूसरी बात ये, आइए अब इसको हम लोग 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे हम लोग इसको देखते हैं कि 15 मिनट पे ये क्या कमाल कर रही है। तो यहाँ पे गए और हम लोगों ने इसमें 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, ये चार्ट लगा दिया 15 मिनट का, ठीक है साहब। हम लोगों ने इसमें 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जब भी मार्केट इसके ऊपर आ रहा है तो मार्केट आपका बाई में रह रहा है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप यूज करोगे तो मार्केट आपको पूरी रिस्पेक्ट देगा। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए पूरी रिस्पेक्ट देगा मार्केट यहां पर, देखिए। और इसी तरीके से आप पीछे भी आ जाइए, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसको डिलीट करते हैं, पीछे चलते हैं। देखिए मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, इसको इधर कर देते हैं यहाँ पे। देखिए मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। देखिए आपको हमेशा जो ट्रेड है इसके पास ही इनिशिएट करना है, चाहे बाई का हो और चाहे सेल का हो। देखिए जब तक मार्केट इसके ऊपर एकदम, अगर ये फ्लैट चल रही है, अगर ये लाइन एकदम फ्लैट चल रही है या फ्लैट फ्लैट हो चुकी है तो आप ट्रेड में हैं तो निकल जाइए, ट्रेड में नहीं है तो मार्केट के गिरने का वेट कीजिए। यहां से आप अपनी ये लाइन जो प्राइस वाली है वो लाइन इसको हटा सकते हैं, या आप अपनी सुविधा के अनुसार रख भी सकते हैं। आप ट्रेड्स देख लीजिए और इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए, इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए। और ये जो लाइन है आपको 5 मिनट के चार्ट से लेके 15 मिनट तक के चार्ट पे आपको क्लियर सिग्नल देगी। देख लीजिए, देखिए क्लियर सिग्नल देगी। अब माजरा ये आता है कि भैया ये लाइन है कौन सी। तो ये लाइन जो है इस वीडियो में नीचे यहां पर मेरा नंबर चल रहा है, एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहे हैं वहां पर मेरा नंबर चल रहा है। जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा उसको मैं बता दूंगा ये लाइन कौन सी है। कम से कम मैं इतना ये जानना चाहता हूं कि कौन से लोग हैं जो हिलेगा मिलेगा को लेके सीरियस हैं, कौन से लोग हैं जो हिलेगा मिलेगा को लेके सीरियस है। और जाहिर तौर पर अगर आप इसको तरीके से यूज करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में एक नया सुधार होगा, आपकी ट्रेडिंग में एक नया सुधार होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसका स्नैपशॉट लेके आप भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत ही मैसेज में बता दूंगा कि ये लाइन कौन सी है। कम से कम मैं भी तो ये देखना चाहता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग को लेके कितना सीरियस हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है ये पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड गेम है, कोई आपका गैम्बल नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ये टोटल आपका नॉलेज बेस्ड गेम है सर। तो प्लीज नॉलेज की रिस्पेक्ट कीजिए और चीजों को सीखने में अपना दिमाग लगाइए कि किस तरीके से चीजें मार्केट में काम करती हैं। देखिए आपके सामने मैं चार्ट को घुमाते आ रहा हूं और आपको पता चलता जा रहा होगा कि किस तरीके से हिलेगा मिलेगा के फेक सिग्नल्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए प्राइस यहां से दूर है, प्राइस यहां से दूर है, प्राइस को नहीं लेना है। जो मैं आपको कहता हूं कि या तो प्राइस जो है वो एवरेज के पास आएगा या एवरेज जो है वो प्राइस के पास जाएगा, इनमें से कोई भी एक घटना होगी तभी आप अपने ट्रेड में इंटर करोगे, नहीं तो आप ट्रेड में इंटर नहीं करोगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है साहब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, और मैसेज करना मत भूलिएगा, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि कौन से लोग अपनी ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए
और आपके ऊपर आपके माता पिता और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।